झारखंड कांग्रेस के नेता अजय नाथ सहदेव हमारे साथ हैं और यहाँ पे झारखंड के 14 लोकसभा प्रभारियों की बैठक यहाँ पे चल रही है, उनमें शामिल होकर निकल रहे हैं। अजय जी, अगर रांची की अगर बात करेंगे, बीजेपी ने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया प्रत्याशी, आप लोग इतना लेट क्यों हो रहा है? प्रत्याशी डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी एक 140 ईयर्स ओल्ड पार्टी है और इस पार्टी में एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का पालन करके ही हमेशा प्रत्याशी डिक्लेयर होते हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और क्योंकि पार्टी का जो संगठन है, आज भी जो हम लोग यहाँ मीटिंग हो रही है, गुलाम मीर साहब जो कि प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, सारे वरिष्ठ लीडर्स भी यहाँ के हैं, मुझे लगता है कि जब आप संगठन को मजबूत रखते हैं और पार्टी के कैडर जो हैं वो चुनाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं तो प्रत्याशी कौन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन आपने सही कहा कि डिक्लेरेशन में मैं उसको देरी नहीं कहूंगा, लेकिन अगले एक दो दिनों के अंदर ऑफिशियल डिक्लेरेशन जरूर ही पार्टी की तरफ से आ जाएगा और जो भी कोई प्रत्याशी होगा उसके लिए सभी कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं अपने बिल्कुल ही ताकत लगाएंगे कि उनको जीत मिले। अजय जी, लेकिन दावेदार रामदल चौधरी का भी नाम आ रहा है, बन्ना जी का नाम आ रहा है, सुबोध कांत राय तो है, इनको लेके क्या कहेंगे, इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा? देखिये, मुझे लगता है कि रामदल चौधरी जी बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, रांची पार्लियामेंट क्षेत्र को उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है और बड़े ही सम्मानित लीडर हैं। कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी की मजबूती उससे बढ़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि राम टहल जी के आने से उनके सारे जो समर्थक हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, उनका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और रांची पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि आसपास के और भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग को मिलेगा। और जब भी कोई लोग आते हैं तो दावेदारी की बात जहाँ रहती है तो ये तो एक अच्छी बात है, एक स्वस्थ परंपरा है कि पार्लियामेंट सीट के लिए भी जिस तरीके से आप देखेंगे कि मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे कद्दावर लीडर्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं वहाँ लड़ने के लिए। ये पार्टी का निर्णय होगा। सुबोध भैया हैं वो आज भी रांची पार्लियामेंट के लिए सभी के लिए वो सुबोध भैया ही हैं और उन्होंने 2014 तक लगातार इसको रिप्रेजेंट भी किया, केंद्र में मंत्री भी रहे और मुझे लगता है कि रांची पार्लियामेंट सीट में जो भी लड़ेंगे सारे कार्यकर्ता मिलके हम लोग उनका समर्थन करेंगे और आप देखेंगे कि इस बार जो है जो मोदी की जो पॉलिसीज़ है, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही जिससे यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, यहाँ पे जो फौज में जाने को जो इच्छुक रहते थे, जो अग्निवीर जो जब ये स्कीम आया, इसके अलावा काफ़ी आक्रोश लोगों में है और यहाँ पे तो सारे लोग मिलके जो है इस बार ये इंश्योर करेंगे कि ना केवल रांची पार्लियामेंट सीट बल्कि पूरे झारखंड में लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन, इंडी गठबंधन दलों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। अजी जी, मतलब साफ है कि जिन्हें भी रांची से संसदीय सीट से टिकट मिलेगा आप लोग तन मन धन से उनका साथ देंगे? बिल्कुल, ये देखिए चूंकि ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है, कौन टिकट लेगा इस पर बोलना ये उचित नहीं होगा, लेकिन पार्टी साथ जो भी ऑफिशियल कैंडिडेट यहाँ पे होंगे उसमें कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है उसके लिए बिल्कुल जी जान से मेहनत करेगा और हम लोग ऑलरेडी बूथ लेवल पे जाके ये काम कर रहे हैं, बूथ कमिटीज़ को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी आज के दिन में देखिए, जब आप संगठन को मजबूत करते हैं आप किसी प्रत्याशी विशेष को लेके बात नहीं करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस के सिंबल की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा थी उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी कि हर बूथ से लोग जो है उनको देखना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने भी यहाँ के लोगों के दिल की भावना को छुआ है जब उन्होंने यहाँ पे जो सरना धर्म कोड की भी बात उन्होंने शहीद मैदान से कही थी कि भाई हम अगर सरकार में आएंगे तो सरना धर्म कोड देने का काम करेंगे। और अभी की जो सरकार है आप देखेंगे कि जो उनके जो फॉर्म्स निकल रहे हैं, पहले उसमें अन्न का कॉलम हुआ करता था तो अन्न के कॉलम में वो सरना लिख दिया करते थे, उस अन्न के कॉलम को भी हटा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये एक साजिश है कि कोई अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाहता है और केंद्र की सरकार जो है उसको ख़त्म करना चाहती है। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं, सामाजिक इश्यूज़ हैं, ऐसे लोगों के, युवाओं के इश्यूज़ हैं, महिलाओं के इश्यूज़ हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके इश्यूज़ हैं, जिसको लेके जो है केंद्र सरकार को इस बार यहाँ की जनता जरूर जवाब देगी। प्रत्याशी कौन होगा इससे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो इंडिया गठबंधन दल के जो लोगों की विचारधारा है उसमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। अजय जी, जेएमएम आप लोग से आग्रह करिए कि लोहरदगा सीट को लेकर आप लोग विड्रॉ कर ले क्योंकि चमरा लिंडा वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते, बार बार आग्रह कर रही है कि विनिंग कैंडिडेट वहाँ से देना चाहिए। देखिए, किसी और हमारे सहयोगी दल के बारे में बोलना ये उचित नहीं होगा मुझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब सीनियर लीडर्स बैठते हैं और गठबंधन में सीट शेयरिंग्स हो जाती है और सीट शेयरिंग के बाद ऑफिशियल कैंडिडेट अब डिक्लेयर हो गए हैं
तो ये पूरे गठबंधन दलों का ये प्रयास रहेगा कि जो हमारे ऑफिशियल प्रत्याशी हैं उनकी जीत के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएं, और हमें पूरा विश्वास है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो कैडर हैं, जो वहाँ पे एक एक गांव में जो बूथ के लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं वहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुखदेव भगत जी का साथ देंगे। चतरा भी आप लोग लड़ेंगे? बार बार आरजेडी कर रही है कि चतरा पे हम लोग लड़ेंगे। देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी का डिक्लेरेशन आता है, हम लोग अभी उसी की बात करेंगे। जब डिक्लेयर हो जाएगा तब ये हम उस प्रत्याशी की बात करेंगे तो बेहतर होगा। अंतिम सवाल रहेगा, 14 लोकसभा सीट है जी, इस पर आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं, कितनी सीटें का उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो हम 14 में 14 की करते हैं, और हर जगह हम लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं। मैं खुद गुमला जिले का प्रभारी हूं, जो कि लोहरदगा पार्लियामेंट सीट का हिस्सा है, वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, और रांची पार्लियामेंट जहां हम लोग रहते हैं, तो हमें मैं इन दो सीटों पे काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, और हम लोग सारी जो टीम जो है वो लगी हुई है, और इसी तरीके से हर जिला के जो प्रभारी हैं या जो जिला के अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के और ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। और एक मैंने देखा है 2019 और 2024 के जो चुनाव में एक फ़र्क मैंने देखा है कि जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो ब्लॉक लेवल में भी आप जाएंगे, एक ब्लॉक में दो मंडल अगर हैं तो वहाँ के लेवल के भी जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक उत्साह है, और सारे लोग इस चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। ये तुम्हारे साथ झारखंड कांग्रेस के नेता अजय नाथ साधु, उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, और हम लोग पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग 14 का 14 लोकसभा सीट जीतेंगे, और इस बार एनडीए को यहाँ पे झटका देखने को मिलेगा। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।